हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल बाला ब्लॉगर मीरा शर्मा पे। तो फ्रेंड्स, ये शिव मंदिर है। तो हम चिंतपूर्णी से वापस आ रहे थे तो रास्ते में ये मंदिर था, तो मैंने सोचा हम यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं और मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया यहाँ पर। और यहाँ की मंदिर की एक ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर शिव भगवान की जो शिवलिंग होती है सिर्फ वही था, बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं था। और यहाँ पर देखिए बंदर बैठे हुए थे और इन बंदरों से मैं डर गई थी अभी, तो ये देखिए यहाँ पर मैं डर गई थी और फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया था। और यहाँ पर अरमान को मैं हाथ धोने के लिए बोल रही थी कि हाथ धो लो फिर चलो मंदिर में, और वो मस्ती करने में लगा हुआ था। तो बाकी जो कुछ लोग जो थे उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्होंने मंदिर के अंदर एंट्री नहीं करी, वो अंदर ही बैठे रह गए थे कार में। और एक दो लोग बाहर भी आए थे, अनिल भी शायद नहीं गए थे अंदर मंदिर में, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उनको बोल रही थी चलने के लिए, तो वो कह रहे थे तुम जाओ मैं देखता हूँ अगर आ सकूँगा तो आऊँगा। तो बाकी आप लोग अब वीडियो एंजॉय कीजिए। अब बेटा जाया कर लो और फिर भाग्य बनी हुआ कोई है। हाँ हाँ सर, इधर ये रास्ता है, शायद नदी है क्या कोई, तो नीचे चल के देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। हाँ देख कर आते हैं कि क्या है। आराम से नीचे, आराम से। बंदर। और ये काफी पुराना मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। तो मैं सोच रही थी शायद यहाँ पे पानी वगैरह है, लेकिन पानी कुछ नहीं है यहाँ पर, तो दिया क्यों? बस ऐसे ही बना है ये देखिए। और वहाँ पर थ्रेसर चल रहा है शायद। लोग वापस चलते हैं, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। वहाँ पर बनाया वो कितना जिंदर जो दरवाजा लगा, कितना पुराना। हाँ चलिए, अब हम लोग इधर देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। सीढ़ियाँ चढ़ी, मैं सांस चढ़ गई मेरी। अरमान उधर नहीं जाना बेटा। तो यहाँ पर जो है वो शिव जी की ही मूर्तियाँ हैं, जो उनकी शिवलिंग है, जो बस वही है ज़्यादातर, बाकी और किसी भगवान का वो नहीं है यहाँ पर, मूर्ति या कुछ नहीं है, सिर्फ शिव भगवान का ही है।
जितने भी मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, और काफ़ी सारे मंदिर बने हैं। ये देखिए यहाँ पर भी शिवलिंग है, और ये भी शिवलिंग है। देखिए कितना लंबा है ये। और इसको रखा नहीं गया है, ये देखिए। ये अपने आप से ही निकले हैं। तो ये मंदिर है श्री द्रोणा शिव मंदिर, तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, और इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो हम चिंतपुर्णी गए थे तो ये रास्ते में मंदिर था, तो इस मंदिर में भी हमने दर्शन किए हैं। तो इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।